কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে উত্তপ্ত বাংলাদেশ। গত সোমবার প্রধানমন্ত্রীত্ব থেকে পদত্যাগ করে দেশ ছেড়েছেন শেখ হাসিনা। গঠন হয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। তার প্রধান হিসেবে বৃহস্পতিবার রাতে শপথ নিয়েছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ মোহাম্মদ ইউনুস। কিন্তু বাংলাদেশে এখনও হিংসার আঁচ পুরোপুরি নেভেনি। অভিযোগ, বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে হিন্দু সহ সংখ্যালঘুদের উপর হামলা হচ্ছে। এবার এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সাধারণ সম্পাদক দত্তাত্রেয় হোসাবলে। আরএসএস এর সাধারণ সম্পাদক শুক্রবার বলেন, বিগত বেশ কিছুদিন ধরে বাংলাদেশে আন্দোলনের জেরে সেখানকার হিন্দু সহ অন্য সংখ্যালঘুরা হামলার শিকার হচ্ছেন। এ নিয়ে আরএসএস উদ্বিগ্ন। বাড়িতে হামলা হচ্ছে, লুটপাট চলছে, হিংসার হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছেন না মহিলারাও, এমনকি মন্দিরেও হামলা চালানো হচ্ছে। এসব হামলার তীব্র নিন্দা করেছে আরএসএস। কি বিগত কুছ দিনো সে বাংলাদেশ মে সত্তা পরিবর্তন কে আন্দোলন কে দৌরান हिंदू, बौद्ध तथा वहां के अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के साथ हो रही हिंसा की घटनाओं पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गंभीर चिंता व्यक्त करता है। उन्होंने अपने वक्तव्य में यह भी कहा है कि बांग्लादेश में हिंदू तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की लक्षित हत्या, लूटपाट, आगजनी, महिलाओं के साथ जघन्य अपराध और मंदिर जैसे श्रद्धा स्थानों पर हमले जैसी क्रूरता असहनीय है। और उन्होंने ये भी कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसकी घोर निंदा करता है। आगे वो कहते हैं कि बांग्लादेश की कार्यकारी सरकार से अपेक्षा है कि वह तुरंत सख्ती से ऐसी घटनाओं पर रोक लगाए और पीड़ितों के जान, माल और मान, यानी जो सम्मान है, उसकी रक्षा की समुचित व्यवस्था करें। उन्होंने विश्व समुदाय और भारत के राजनीतिक दलों को भी अपील की है कि इस गंभीर समय में विश्व समुदाय तथा भारत के सभी राजनीतिक दलों से भी अनुरोध है कि बांग्लादेश के प्रताड़न के शिकार बने हिंदू, बौद्ध इत्यादि समुदायों के साथ सभी एकजुट होकर खड़े हो। उन्होंने भारत सरकार से भी अपील की है कि बांग्लादेश की परिस्थिति में एक पड़ोसी मित्र देश के नाते सुयोग्य भूमिका निभाने का प्रयास कर रहे भारत सरकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आग्रह करता है कि बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध आदि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु हर संभव प्रयास करें। आज ये वक्तव्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरकारवा श्रीमान दत्तात्रेय हुजबले जी ने आज इसको दिल्ली में जारी किया है। और उन्होंने इस वक्तव्य के द्वारा बांग्लादेश में जो पीड़ित है उनकी जो दुख है उसके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और उनके सुरक्षा के लिए भारत सरकार और सभी लोगों को अपील की है कि वो उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, आरए न्यूज़।